हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताई थी कि हम लोग सारी लड़कियां मिलके पार्टी करने वाले हैं और फोटोशूट करेंगे। तो आज मैं रेडी हुई हूँ और आज है हम लोग का पार्टी और मैं भी कुछ बनाई हूँ घर से। सब कोई अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लेकर आएगा और कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे, साड़ी सब लड़की और जो भी मैरिड अनमैरिड जो भी है ना, सब साड़ी पहनेंगे और हम लोग फोटो शूट करेंगे। तो आज मैं रेडी हुई हूँ और मैं ये साड़ी लगा ली आज। तो आज हम लोग का फोटो क्लिक होगा और ये व्लॉग भी आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं क्या बनाई हूँ, मैं वहाँ पे ले जाने के लिए मैं भी बनाई हूँ पास्ता। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे बनाई हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं पास्ता बनाने के लिए सब कुछ रेडी की थी। तो पास्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और टमाटर सब कुछ काट लिए थे। टमाटर थोड़ा कम काटे थे क्योंकि टमाटर ज़्यादा नहीं डाल, टमाटो सॉस भी डालते हैं इसलिए टमाटर में कम काटी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई में मैं पास्ता उबाल रही थी, तो इसको अच्छे से पकाना पड़ता है ताकि खाने टाइम टेस्ट इसका अच्छा लगे। इसको मैं अच्छे से नमक हल्का डाल दी थी और रिफाइंड तेल डाल दी थी तो ये पक रहा था। उसके बाद मैं ये पक गया तो इसको मैं पानी निकाल दी और छान ली। और इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसी कढ़ाई में मैं धो के उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे जो भी पास्ता का सामान था, जो प्याज और टमाटर काटी थी वो मैं फ्राई कर ली थी रिफाइंड तेल डाल के। और इसमें मैं डाली थी उसके बाद मैं डाली पास्ता, उसके बाद मैं यहाँ पे सोया सॉस, टोमेटो सॉस और जो भी हल्दी डाल के बना ली थी। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बन के रेडी हुआ ये पास्ता। तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं बना होगा पर सबने खाया, बहुत तारीफ़ किया और घर में साथ ही साथ पतिदेव जी ने भी तारीफ़ किया कि बहुत ही अच्छा बनाई हो। तो ऐसे करके मेरा पास्ता बन गया था। उसके बाद मैं ये लेकर गई थी मंदिर में तो सबने खाया और आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये बनाना है तो यहाँ पे से देख के बना सकते हैं और आप लोग बोलेंगे तो अलग से इसका व्लॉग एक बना के डालूँगी आप लोगों के लिए। तो गाइस, मैं मंदिर में आ गई हूँ। ये है शनि मंदिर और ये मेरे घर के पास में ही है मंदिर। और अभी बहुत कम लोग आया है, कुछ लोग बाकी है आने के लिए। तो आप लोग को दिखाती हूँ कौन कौन आया है। और अभी बहुत कम लोग आया है, धीरे धीरे सब आएंगे और सब आ जाएंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमरा जगत गुरु को महिमा पार था, जगत गुरु को महिमा पार था। आओ गुरु बहिनी चरत करना, आओ गुरु बहिनी चरत। तो ये है सुष्मिता आ गई है और ये है राधिका आंटी, ये भी आ गई है। आंटी हो तो ये भी आ गई है, बहुत अच्छे से भजन गाती है। कुमारी पूजा अपने नाम नहीं होला नहीं शिवाजी को ऋषि पंचमी मंगल चौथी एक दिन पड़े सप्तऋषि को पूजा आइतबार
सोमवार को कार्यक्रम लिएर सबै दिदीबहिनीहरू चेलीबेटीहरू भेला हुनु भएको छ। भगवान भोले बाबाको शरणमा मन्दिरको शरणमा आएर सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो हिसाबले भेला हुनु भएको छ। और यहाँ पे सब महारानी लोग इतने सुंदर सुंदर गा के आए हैं, सब फोटो क्लिक करवा रही है। ये महारानी को देखिए काला चश्मा जचता है। यहाँ पे सब पूजा ख़त्म होने के बाद तो डांस हो रहा था, तो डांस में नेपाली सॉन्ग और भोजपुरी हिंदी सब बज रहा था और तीज का भी सॉन्ग बज रहा था। तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा बोल के मैंने म्यूट कर दिया, तो ये गाना नहीं है, बस ऐसे डांस दिखाएगा। तो हम लोग लास्ट में बहुत डांस किए, बहुत मस्ती की, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे गाने पे डांस किए, भोजपुरी हिंदी नेपाली। और ये सोमवार को तीज है, तो तीज के लिए ही हम लोग ने यह प्रोग्राम रखा था, तो हम लोग एक दिन दो दिन पहले मना लिया इसको तीज का त्यौहार के लिए ही। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कोई रेट लगा के आया था और बस ऐसे ही इंजॉय करने के लिए, और छोटा मोटा पार्टी हम लोगों ने किया तीज के लिए। तो मैं रेट नहीं लगाई थी, मैं ग्रीन साड़ी लगा के चली गई थी और हमको नहीं पता था कि रेड ही लगा के आना है। सब कोई ज़्यादा करके आप लोग देखेंगे ब्लॉग में रेड लगाया हुआ है साड़ी, और सब कोई डांस कर रहा था, और यहाँ पर मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं। डांस ख़त्म होने के बाद प्रसाद जो भी चढ़ा था बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बना कर लेकर आया था, किसी ने जलेबी और किसी ने हलवा, मूंग दाल की हलवा और ये पुलाव छोला जो भी है, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो गया था, 56 भोग जैसे हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं किसी ने मूंग दाल का हलवा लाया था, किसी ने सूजी का हलवा लाया था, और जो यहाँ पे रखा हुआ है लास्ट में वो यहाँ का सिक्किम का फेमस है सेल रोटी बोलते हैं उसको, तो सेल रोटी भी था, पोक था, और यहाँ पे देख सकते हैं खीरा था, केला था, सब कुछ था, मैंने पास्ता ले गया था वो भी था, सब कुछ था। अब बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अलग अलग तरीके का बना के लेकर आया था, और हम लोगों ने डांस ख़त्म होने के बाद सब खाए, बहुत इंजॉय किए, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मैं घर में आ गई हूँ और अभी हम लोग डिनर करेंगे, और हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी गए थे बाहर घर का सामान खरीदने, तो वो भी आ गए हैं घर पे। तो गाइस सब कोई डिनर करेगा, कोई डिनर नहीं किया है। मैं मंदिर से आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैं चेंज भी कर ली हूँ, और अभी चलते हैं कुछ बना। गाइस जो मैं पास्ता बनाई थी मंदिर में ले गई थी सबके लिए, तो वो पास्ता भी है, तो हबी को दूंगी खाने के लिए, तो चलते हैं थोड़ा गर्म करके उनको दे देती हूँ खाने के लिए। और गाइस बने रहिए ब्लॉग में, और ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, और गाइस मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्यार की ज़रूरत है आप लोगों का, और ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए हम लोग हम पे, और मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट ऑल यू टू फैमिली, बाय बाय।